वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल इंडियन एयरफोर्स भाई। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम इसमें स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम के लिए एक मात्रा से चैनल है जिस पर मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई भी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार अगर इसको देखेंगे तो आप कभी भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपका एक नंबर तो यहाँ से आज पक्का हो के जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर महापुरुषों के समाधि स्थल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमें हम याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और इनकी जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं स्मृति स्थल। क्या बोलते हैं? स्मृति स्थल। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति थे, तो जाहिर सी बात है हम उन्हें याद करके ही उनके वो समाधि स्थल को देखेंगे। महात्मा गांधी जी, ये तो अपने राष्ट्रपिता हैं, इन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये होता है महात्मा गांधी जी, और इनकी इनकी उसका क्या नाम है, राजघाट। ये इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये इनटेक 2019 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आगे और भी आएंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आगे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि एक इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स लिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो थे, तो इन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट। ओके, नेक्स्ट इंदिरा गांधी जी, ये तो प्रधानमंत्री रही थी कई बार। तो शक्ति, क्योंकि हम हमेशा आप देखते होंगे कि हम नारी शक्ति, ऐसी नारी के बारे में बातें करते हैं, जो इज्जत वाले लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शक्ति स्थल इनकी समाधि का नाम है। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह जी, ये अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी पार्लियामेंट नहीं गए, तो इसलिए ये लोग ये अंदाज़ा लगाते होंगे कि हाँ भाई ये तो किसान ही करते हैं। बस एक मतलब फनी सी ट्रिक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम याद कर लें इससे। तो किसान घाट यहाँ की इनकी समाधि का नाम है। अगला, नेक्स्ट गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, इनकी समाधि के स्थल का नाम है नारायणघाट। ओके, फिर आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अभय भूमि। क्या है? अभय भूमि। क्या है? अभय भूमि। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर जी, चैत्रभूमि। कहाँ है? क्या है? चैत्रभूमि है इनकी मर्तभूमि का नाम, मर्त समाधि स्थल बोल सकते हैं। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और शांति स्वभाव के, तो उनकी समाधि स्थल का नाम शांति भूमि रखा गया है। नेक्स्ट जगजीवन राम समता स्थल। समता स्थल, ये फ्रेंड्स आपको मैंने बिल्कुल छांट के मैं आपके लिए लाया हूँ ये। और राजेंद्र प्रसाद, ये जो ऐसे पूछा गया था एसएससी में, क्वेश्चन पूछा गया था कि वीर जो भूमि है, वीर भूमि वो किसका समाधि स्थल है, तो वह है राजीव गांधी जी का, और राजेंद्र प्रसाद जी का कौन सा है, ये वाला कौन सा है, महाप्रयाग, और जगजीवन नाम का है, का है समानता। तो अब फ्रेंड्स एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखो, मैंने आपको अभी बताया था लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी जी की शक्ति स्थल, और चौधरी चरण सिंह जी का किसान घाट, गुलजारी जी का नारायण घाट, मोरारजी देसाई का अभय भूमि, और बी आर अम्बेडकर क्षेत्र भूमि, और जवाहरलाल नेहरू जी का शांति भूमि। ओके, और जगजीवन राम जी का क्षमता स्थल, और राजेंद्र प्रसाद जी का महाप्रयाग, और राजीव गांधी का वीरभूमि। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से आई होप आपको पूरे पक्के याद हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? इतिहास के जनक कौन थे?
इतिहास का जनक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी वगैरह हरियाणा के। बेसिकली मैंने ये एक पेपर में देखा था लैब अटेंडेंट के, उसमें पूछा गया था। तो ये था हीरोडोट्स, क्या नाम था इनका, हीरोडोट्स डॉट्स। ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ मतलब हरित क्रांति वगैरह जो हमारे भारत में आई थी कृषि से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि बताओ हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे है, खाद्यान्न से है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। फ्रेंड्स इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो बनते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कौन कौन से बनते हैं। पहला हरित क्रांति का जो के जो जनक माने जाते हैं भारत में, वो कौन से, क्या नाम था, एस एस स्वामीनाथन, क्या था, एस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ स्वामीनाथन। ओके एस, ठीक है। और ये जो श्वेत क्रांति का जनक थे, इनका नाम क्या था, वी कुरियन, क्या नाम था इनका, वी कुरियन ऐसे करके लिख सकते हैं, वी कुरियन। ओके मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। पीली क्रांति का जन्म क्रांति का जो संबंध है वो तिलान से है। नीली क्रांति का मत्स्य पालन से है, भेड़ जैसे वैसे पालते हैं, भेड़ नहीं सॉरी भेड़ तो अलग चीज़ है। गुलाबी क्रांति झींगा से पूछा जाता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंध है, तो झींगा या मछली उत्पादन से है इसका संबंध। लाल के लिए क्रांति मास से, क्योंकि लाल मास होता है इसलिए। और रजत क्रांति डेट इज एग। ओके चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, ये छोटी मेज आ गई है। अच्छा रक्त समूह के जो जनक हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है लेड स्टीनर, क्या नाम है, लेड स्टीनर। आप इसको पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा ना, वहाँ से आपको ईजिली। होम्योपैथिक का जनक किसको माना जाता है, तो होम्योपैथिक का जो जनक थे इनका नाम क्या था, इनका नाम हैनी मैन, क्या नाम था, हैसे होम्योपैथिक। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ ये जर्मनी का है, हमारे यहाँ का नहीं है, यूनानी शैली से लिया गया। अब कुछ लोक नृत्य जिनका डिस्कशन हम थोड़ा डीपली भी करना चाहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको प्रॉपर ज्ञान लेके ही जाना है यहाँ से, ठीक है। भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम तमिलनाडु किसका है, तमिलनाडु का है। यक्षगान ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यक्षगान जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी में और डिफेंस जैसे कि एमआर नेवी एसएसआर डबल ए के में, ऐसे तो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं और एयरफोर्स में भी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर भारत और कथक कली, अगर यहाँ कली हो लग जाए तो ये फिर केरल को जाएगा, जैसे कि नीचे लिखा भी हुआ है ये रहा कथक कली ये लिखा हुआ है, तो कथक उत्तर भारत और कथक कली केरल का है। ओडिसी ये तो अलग से ध्यान आ जाएगा ये और कथक कली मोहिनीअट्टम कृष्णाष्टम ये सब किसके हैं ये सब केरल के हैं। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुई पाश्चर को माना जाता है, किसको, लुई पाश्चर, जैसे कि पाश्चर पहले से ही लिखा हुआ है, पाश्चर मीन्स छोटा छोटा होगा, इस वजह से ये हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा जोश के साथ में, और अब चलते हैं नेक्स्ट, आयुर्वेद का जनक किसको माना जाता है। फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा शायद, चरक जी को माना जाता है। पीडीएफ को एक बार आप देख लेना, टेंशन ना कि बिल्कुल सही याद हो जाएगा आपके, एक बार देखोगे तो सब उड़ा दोगे। ओके पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी फ्रेंड्स। जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को।
और प्राणी विज्ञान का भी अरुस्तु को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम ग्रुप को भाई एक बार ज्वाइन कर लेना, मेरे से जो भी क्वेरी होगी वो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो पे हम ऐसे ही डोज देंगे, हम जीके का डेली डोज, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।